यो व्हाट्सअप गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज का दिन हमारा ऐसा है, आज हम लोग जा रहे हैं नॉर्दर्न बाईपास वाली गाय मंडी। तो आज हमारा पहला विजिट है। सरोज भाई थोड़ी सी गाड़ी वॉल्यूम की आवाज कम करेगा। तो आज हमारा जो है नॉर्दर्न मंडी का पहला विजिट है, अल्लाह का नाम लेके जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। सुना वहाँ पे स्नैचिंग वगैरह काफी ज्यादा हो रही है। अच्छा, पर अभी हम लोग बैठे हुए थे तो भाइयों ने सबने बोला है कि चलते हैं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह समझ गया नाम लेके चलते हैं। मंडी का तो क्रेज है, कराची वालों को एक मंडी का ही क्रेज होता है। जाहिर है अभी बकरा ईद आई है तो इसी वजह से अब मंडी का विजिट तो हो गई ना यार। कुछ पूछा मैंने एक ही चीज का हमें पूरे कराची वालों का इंतजार होता है पूरा साल मंडी का। कभी बात जा रहे हैं मंडी में, आए आप लोगों को दिखाता हूँ हमारे साथ और कौन कौन है। हमारे साथ है तनान भाई, सब जानते हैं तरान भाई, साउथ भाई, शावेश भाई हमारे गाड़ी चला रहे हैं, शरोज भाई ये बैठे हुए, शरोज भाई फाइलो कर रहे हैं। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। शरोज भाई बैठे हुए थे तो अभी इंशाल्लाह हम लोग निकल गए, तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के आप लोगों को अपडेट देते हैं। बस खैर खैरियत से वहाँ पे पहुँच जाए, अच्छा हमारा विजिट रहे, अच्छा हमारी सारी चीज़ें रहे। बाकी वहाँ जाके आप लोगों को जानवरों के रेट से भी आगाह करेंगे कि जानवरों के क्या रेट चल रहे हैं वहाँ पे, किस किस्म की मंडी चल रही है। आज बेसिकली मैं फेसबुक वो कर रहा था, स्क्रॉलिंग कर रहा था फेसबुक पे, तो मैंने वो मंडी के दीवाने जो हमारे भाई हैं उनका भी मैंने वो पढ़ा है कि उन्होंने एक स्टेटस लगाया हुआ था कि यार नॉर्दर्न बाईपास पे कोई मंडी पे विजिट नहीं कर रहा है, लोग आ नहीं रहे। तो बस उन्हीं का मैंने आज स्टेटस भी पढ़ा। कभी बस में जा रहे हैं वहाँ पे, इंशाल्लाह देखते हैं क्या अपडेट है, क्या मार्केट चल रही है, क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी अभी हम दो दिन पहले हमने वहाँ का जमील मेमन का भी हमने विजिट करा था, वहाँ के भी रेट्स तो नहीं लिए थे हमने, पर वहाँ पे हमने विजिट करा था, वो भी ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा। तभी बस चलते हैं इंशाल्लाह, फिर आप लोगों से वहाँ पे जाके मुलाकात होगी। ये साउथ भाई हैं, असल में इनका मसला ऐसा है, इन भाई से जो है ना पीछे बैठा नहीं जाता। अच्छा बहुत बेचारे ना घबरी हो रहे हैं। तो अभी बस बोला है शावेद गाड़ी रोकता है साइड में, तो अभी बस साउथ भाई आगे बैठेंगे, शरोज भाई को पीछे बुला लेते हैं अपने पास। साउथ से असल में बैठा नहीं जाता है पीछे, तो बस थोड़ा मसला है आप लोगों को तकलीफ नहीं करेंगे, शरोज भाई आप लोगों को पीछे एंटरटेन भी करेंगे हमारे साथ बैठ के, ठीक है। तो अभी बस गाड़ी ये रोकने लगे शावेद पंप पे, तो बस साउथ अभी आगे जा रहा है, शरोज पीछे आ रहा है। बाकी मंडी अभी जैसे ही पहुँचते आप लोग अपडेट देते हैं क्या अपडेट है। बहुत ज़्यादा जो है ना सन्नाटा शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा डर तो हम लोगों को भी लग रहा है, सब एक दूसरे को बोल रहे हैं भाई तू अपना मोबाइल दे दिया, तू अपना मोबाइल दे दिया। थोड़ा तो नहीं, बाकी में कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है। बंद कर दे यार, बंद कर दे लाइट। जा रहे हैं आप, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, खैर अल्लाह मालिक है, दुआएं वगैरह पढ़ ली है, अल्लाह खैर करे। जा रहे हैं, देखें आप मैं दिखा रहा हूँ, ये तो खैर फ्लैश लाइट जल रही है, आप देख रहे हैं रोड पे कितना सन्नाटा हो रहा है। शावेश भाई को हमने बोल दिया कि भाई फुल खिंचाई मार के रखना, बाकी अल्लाह मालिक है यार, अगर रोक भी लिया तो जान से बढ़ गए तो कुछ नहीं है इंसान को। चलो ठीक है, अल्लाह करीब इंशाल्लाह फिर बताते हैं। फाइनली मंडी पहुंच गए हम लोग खैर खैरियत से, अभी बस पार्किंग में गाड़ी लगाई है। इस बार इन्होंने बड़ा कोई अलग सीन रखा हुआ है यार, इन्होंने इस बार पार्किंग के भी 100 रुपए लगा दिए। कुछ पूछा इन्होंने पार्किंग का सीन रख दिया, मतलब शराब बोर्ड वाली में भी पार्किंग का होता था, पर ऐसा नहीं होता था कि 100 रुपए दो तो पार्क। भाई जान अभी यही शराब बोर्ड होता ना होते थे। और आपको मैं इवन मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ मंडी की पार्किंग का आलम, एक शराब बोर्ड की मंडी का आलम होता था, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती थी, और एक आप इस मंडी का आलम देखेगा कि कितनी स्पेस है गाड़ियाँ खड़ी करने की। देखें हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई है, सिर्फ गाड़ियाँ देखें मुश्किल से कोई 10 या 12 गाड़ियाँ खड़ी है, बाकी पूरी पार्किंग खाली है। ये देखें पूरी पार्किंग खाली है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, बहुत स्पेसिफिक लोग आ रहे हैं। एक तो लोगों के दिल में डर इतना बैठ गया ना मंडी का, हम भी खैर डर तो बैठा हुआ था पर क्या करें, क्रेज भी है, हमें आना भी था मंडी, खैर हम लोग आ गए। शरोज भाई कैसा रहा सफर, दुआएं पढ़ते हुए आए आप? मैं कहता हूं कि मुझे नहीं समझ में आई मंडी। बाय बाय,
टाटा गुड बाय। ना पार्किंग है ना लाइट है यार पुलिस आर्मी नहीं है। सिर्फ जो है ना ये आपको नहीं ये किसी को भी समझ नहीं आई, इवन कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। अच्छा किसी भी किस्म की भाईजान ये कराची का मेन कराची मेन सिटी है यहाँ का। भाईजान आप खुद देखो कहाँ से हम आ रहे हैं, कहीं भी एक पुलिस रेंजर्स नजर आई आपको? ना कोई पुलिस है ना कोई रेंजर्स है क्या? मैं मुझे जीरो रिव्यू भाई अभी तो पर्ची ली थी, ये देखें हम हमारे दोस्तों का आलम देखें, अभी पार्किंग की पर्ची ली है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आए और पर्ची गुम कर दी। शक्ल मेरी माशाल्लाह रहा है। ये देखें पर्ची ढूंढी जा रही है। बाकी अभी चलते हैं मंडी के अंदर, आप लोग अपडेट देते हैं। भाई बता रहे थे कि मंडी के अंदर जो है तकरीबन यहाँ से पार्किंग से 10 से 15 मिनट आप लोगों को चलना पड़ेगा, उसके बाद फिर जानवर शुरू होंगे। और अंदर कोई गाड़ी नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं चल रहा। हम लोगों ने हर साल पास बनवाते हैं, साल हम लोगों ने पास नहीं बनवाया क्योंकि हमें इस मंडी आना नहीं है। हम लोग जानवर या तो मलिह मंडी से लेंगे या तो इंटीरियर वगैरह पे इस बार कोई सेटिंग बनी है, वहाँ पे इंशाल्लाह इस बार जानवर परचेज करेंगे। ये तो सिर्फ ब्लॉक की वजह से मुझे इस मंडी आना पड़ा है, वरना अदरवाइज मैं यहाँ पे नहीं आता। अच्छा तो चलते हैं अभी मंडी के अंदर, देखते हैं क्या अपडेट है, आप लोगों को सारी अपडेट से आगाह करते हैं। यार बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है हम लोगों को। मैं आप लोगों को दिखाऊँ हम लोग कितनी दूर से चलते हुए आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर से चलते हुए आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर है, इतना सन्नाटा हो रहा है। बाकी मैं लग ही नहीं रहा कि कराची में मंडी लगी है, कराची की मंडी है, ना रौनक है ना वो बात है ना मज़ा है। देखें अभी भी कितना हम लोगों को पैदल चलना है। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल सरोज भाई तो बेचारे पतले हो जाएंगे चल चल के। हमारे चल रहे हैं, देखते हैं क्या अपडेट है। मंडी में आ चुके हैं, अभी उतरे हैं, अभी वहाँ पे जानवर देखे थे माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत जानवर खड़े हुए थे वहाँ पे। अभी यहाँ पे एक भाई के पास भी हैं, इनके पास भी काफ़ी अच्छे अच्छे जानवर खड़े हुए, इनके पास बछियाँ खड़ी हैं, मतलब नॉर्मल रेंज की होंगी मेरे अंदाजे से। बाकी इनसे पूछेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस किस रेंज की है ये जानवर खड़े हुए हैं यहाँ पे। देखें तनान लोग पता नहीं किस जानवर पे जा रहे हैं, देखते हैं कौन से जानवर पे गए। अच्छा भाई ये जानवर माशाल्लाह से प्यारा बच्चा है। ये देखे जानवर, ये तनान भाई देख रहे हैं। अच्छा भाई नहीं पियो ना यार, ये गंदी चीजें नहीं किया करो। साईं क्या हाल है? साईं को अभी बुलाया, साईं से रेट पूछते हैं। साईं क्या हाल है? अब कह रहे भाई क्या मांग रहे हो इसके, इस वाले का? भाई देखते हैं अभी क्या रेट चल रहे हैं, पूछते हैं इनसे ही क्या बताते हैं। सही क्या मांग रहे हैं इस जानवर के? जी 4,20,000 रुपए मांग रहे हैं भाई इस जानवर के। आप लोगों को जानवर में दिखाता हूँ, देखिए दांतों में क्या है, दो दांतों में 4,20,000 रुपये। जो ये वाइट जो बैठा हुआ है इसके 3.5 लाख मांग रहे हैं। ये जानवर नो डाउट खूबसूरत है, अच्छा है माशाल्लाह से, इसकी पलके वगैरह भी प्यारी हैं। ये देखें क्या खड़ा कर रहे। हम लोग आए हुए तो हैं मंडी, देख रहे हैं अगर कोई सौदा बन गया तो बना लेंगे, अगर कोई भाई बेचने के मूड में बैठे हुए उनसे सौदा बनाएंगे, देखते हैं अभी बात तो चल रही है। पैसे फिलहाल अभी हमने पहली जगह पर ही आए हैं, पहली जगह पे ही पैसे पूछे, पैसे तो काफ़ी ज़्यादा मांग रहे हैं। बाकी देखते हैं बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी और जगहों पे भी चलते हैं, और जगह का भी आप लोगों को विजिट कराएंगे कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या प्राइस चल रहे हैं, क्या रेट चल रहे हैं। तो अभी आगे चलते हैं और भी आपको वीडियो से मैं आगाह करता रहूँगा साथ साथ। साउथ भाई खड़े हुए हैं, साउथ बात कर रहे हैं साइंस है। माशाल्लाह से एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, ये तो मतलब काफ़ी ऊंचा बछड़ा है हमारा, हम सबकी हाइटों से ज़्यादा ये ऊपर जा रहा है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें अगर कोई इसके सामने आया इतना इसके साथ बराबर में खड़े हो तो ये भाई ये तो बिल्कुल भी आसरा नहीं कर रहा है। ये देखें अगर मैं इसके बराबर में आता हूँ तो मेरी हाइट यहाँ आ रही है। आप बराबर में आ नहीं रहे, मैं बराबर में आना नहीं चाह रहा हूँ, ज़रा गुस्से में हो रहे हैं। इतना कोई बराबर में तो आए, पता तो लगे कि हाइट है क्या इसकी। साउथ इधर से आ यार, ये तनान की बातों को ना इग्नोर किया करें, ये आसरा ही नहीं करता है किसी चीज़ का। ये देखें
देखे साउथ पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखे मतलब साउथ की भी अच्छी खासी हाइट है, मतलब 5'11" है साउथ की हाइट भी, 5'10" 5'11" और ये कम से कम ये भी 6+ में है, ठीक है 6+ में है, पर माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है और बहुत गुस्से में भी है। समझ गया, आज जो है ना ऐसा लग रहा है हम लोग या तो व्यापारियों से कुट के जाएंगे। देखे जानवर ये भी काफी बड़ा जानवर है, बैठा हुआ है शेरों से उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, देखते उठ गया माशाल्लाह भाई माशाल्लाह से। जो जिन लोगों को जाहिर है सिब्बी पसंद है वो इसी टाइप के लाते हैं, हम लोगों को असल में पसंद नहीं है। पसंद क्या आपको बताया, पसंद क्या नहीं है, वह हमारी रेंज में नहीं आ पाता है। बात ये इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा तो एक दिन ऐसा जानवर भी लाएंगे। तो अभी देखिए माशाल्लाह से भी कितना कितना मतलब हाइट वगैरह में आप देखें जानवर कितना अच्छा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा बड़ा जानवर है ये। लोगों को एक बहुत एंटिक और एक बहुत यूनिक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर है वो छोटा सा एक जानवर है माशाल्लाह से, गोल मटोल है प्यारा सा, है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ छोटा जानवर। देखें बच्ची है बहुत ज्यादा ना हाइपर हुई है, बहुत ज्यादा ठीक है। बराबर में देखे एक और है माशाल्लाह से, इनके पास जानवर बहुत अच्छे हैं। ये देखें ये मालिक बैठे हुए, सर क्या मांग रहे तुम्हारी अपने जानवर के? सही, ये जो काला बच्चा खड़ा है ना 45 लाख में दे देंगे। कितने में? 45 लाख में, पैसा ही पैसा होगा। साथ में खुद को भी देंगे ना, हम भी आएंगे आप तो भाई। देखे इसी के साथ साथ एक और ब्राउन भी है, ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, पर इन्होंने सिंग काटे हुए हैं इसके। 0.5 से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो 0.5 पे आ ही नहीं रहा। अच्छा माशाल्लाह से बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत जानवर खड़े किए हुए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, ये बैठे हुए हैं। ये कौन सा है? MNR कैटल के अच्छे अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने, साथ में लेंडी चीज़ें भी हैं। ओह माय गॉड, ब्रो यहाँ कुछ दिखाओ। ये देखें ये भी खड़ी हुई है बच्चियाँ, देखें हाँ नहीं क्या मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो? सेट का सेट वहाँ बैठे हुए जी। हाँ आपको नहीं पता नहीं ये कौन सा टेंट है, कौन सा कैटल है? आपको नहीं पता जी? क्या नहीं क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल भाई को कैटल का नाम नहीं पता। देखिए तनान भाई ने जानवर पसंद कर लिया, सौदा हो गया, बस थोड़े से पैसों पे सौदा होगा। देखो हाँ तनान कितने लगा दिए तुमने इसके? तनान भाई के पाँव देखे तो माशाल्लाह से हो गया। मेरा भी ये हाल जी, भाई इन लोगों को व्लॉग में लेना आसान काम नहीं है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कितना कंट्रोल रखना पड़ता है इन लोगों को व्लॉग के अंदर लेने के लिए। हाँ साउथ भाई चले फिर। अच्छा आई लव चायल भी यहीं पे था, उसका भी बोर्ड लगा हुआ है, मंडी की पहचान है ये वाली मंडी की हमारी, नॉर्दर्न बाईपास वाली आई लव चायल वाला बोर्ड भी है, वो भी दिखाते हैं। हम लोग उसी के पास खड़े हुए, वो लगा हुआ आई लव चायल। इसी के पास खड़े ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, है मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया, मेरे जख्मों को जरा बुरा कर दे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई ये हार्ट ब्रोकन है, ये बच्चिया है शरोज। हाँ बच्ची है बच्चिया भी वो हार्ट ब्रोकन होती है यार, वो तो काटने में मायर होती है सुना।
टूटा हुआ चले इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ज़्यादा कोई ख़ास मंडी नहीं लगी हुई, बहुत कम जानवर आए हुए इस बार। अभी ज़ाहिर है एक महीना पड़ा हुआ है बकरा ईद में, तो आहिस्ता आहिस्ता जानवर आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता प्लॉटिंग हो रही है, यहाँ पे सफाई चल रही है, वीआईपी टेंट्स की भी सारे मतलब ट्रेसिंग वगैरह लग रही है। तो अभी बस हम लोग चलते हैं घर की तरफ। अभी खैर खैरियत से बस ये रास्ता गुजर जाए, हमारा इतना पैदल चल के जाना है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात मैं कहना चाहूँगा। अच्छा सरोज भाई कुछ कहना चाहते हैं, इनसे पूछ लेते हैं, फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। जी सरोज भाई, ये भाई यही होते हैं। सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ। सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह।